हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए और अब हिजबुल्ला को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया। उत्तर कोरिया और हिजबुल्ला के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ बाइडेन को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्ला का सबसे नया वीडियो लेबनन इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्ला के इस पिन पॉइंट अटैक ने इसराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्ला सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इसराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्ला के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडेन दोनों पसोपेश में है। हिजबुल्ला ने लेबनन इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्ला ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनन में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1,00,000 से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6,00,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من امكانيه ان تذهب هذه الجبهه الى تصعيد اضافي او الى حرب كامله أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب. इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा वन। ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्ला हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा वन कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्ला के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्ला के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है? ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने ये परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनन के मिलिशिया हिजबुल्ला के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्ला को हथियार भी देता रहा है, इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं।
उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्ला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्ला को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात यूशार रॉकेट भी है जिससे हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्ला और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इसराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इसराइल हिजबुल्ला के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इसराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्ला ने तीन तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM 71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसके नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इसराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इसराइल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इसराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है। इसराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतेह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इसराइल को परेशान कर रही है। फतेह 110 की दो और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इसराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतेह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें डाली थी, ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। इफ दे गो स्ट्रॉन्ग, इफ दे आर नॉट डिफीटेड, दे विल डिरेल दिस प्रोसेस, दे विल इंपेरिल द एंटायर मिडल ईस्ट। इफ द मिडल ईस्ट फॉल्स टू द एक्सिस ऑफ टेरर, यूरोप विल बी नेक्स्ट and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute
for victory. हिजबुल्ला का खतरा बहुत बड़ा है, ये इसराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्ला ने गियर बदला तो इसराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं।